Hi. Hi, Nishi. How are you? I'm fit and fine as always. रोहिणी तो घर पे नहीं है. ये तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं, वो रोहिणी ने मुझे बताया कि तुम दोनों मिलकर न्यू ईयर ईव प्लान कर रहे हो. क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? Of course. Sit. ऋषि, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी. जिम में तो मिलते हैं, वहीं कर लेती. ऐसी बातें जिम में नहीं, जिम्मेदारी से की जाती है. अब मैं वहाँ बात करूँगी और दो लोग सुनेंगे तो चार बातें बनाएंगे और आठ लोगों से शेयर करेंगे. और कुछ तो लोग कहेंगे ना. लोगों का काम है कहना, तुम्हें क्या है कहना? ऋषि, आई नीड यू. क्यों? क्योंकि तुम टैलेंट, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस का परफेक्ट कॉम्बो. आई नीड यू इन माई लाइफ एज माई मेंटर. मेंटर? तुम्हें क्या न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मेंटोर चाहिए? नहीं, मेरा करियर ऑर्गेनाइज करने के लिए मेंटोर चाहिए. ऋषि, आई वांट यू टू होल्ड माय हैंड. आई वांट यू टू होल्ड माय हैंड एंड वॉक मी थ्रू दिस जर्नी. इफ आई टेक योर हैंड, दैट इज द लास्ट जर्नी आई विल एवर टेक. माय आखिरी रास्ता. क्या? दैट विल बी माय एंड, माय अंत, माय रास्ता, माय सॉल्यूशन, माय समाधान, माय हल. एनीवे, ये सब छोड़ो, तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है. मेरे 20,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टा. दैट्स ग्रेट. आई रिमेम्बर जब वो रनिंग वाली रील बनाई थी, इट वाज 15,000. ग्रेट ग्रोथ यार. आई नो, बट यू नो आई वांट टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड यू नो हाउ गुड आई एम एट इन्फ्लुएंसिंग पीपल. यस. मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गाइड करो ताकि यू नो आई कैन डू एड्स, कोलैबोरेशंस, प्रमोशंस. मुझे तो नैनो, माइक्रो, मैक्रो सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्वेरीज आती हैं. आई विल पुट यू ऑन टू एवरीबॉडी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वी कैन डू समथिंग टुगेदर. यस. वी विल मेक अ ग्रेट टीम. आई विल पुट यू ऑन टू माय टीम. दे विल टेक गुड केयर ऑफ यू. ओके. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ है ही नहीं बात करने को. बोर हो रहे थे, तुम्हारा वेट कर रहे थे. तुम लोग वो न्यू ईयर ईव बैश ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना? कैरी ऑन, डू अ ग्रेट जॉब. बाय ऋषि. बाय. न्यू ईयर प्रोग्राम का कोई बेसिक प्लान बनाया है तो बता दो, उसे डिटेल आउट मैं कर लूंगी. क्या कहा तुमने? करना क्या है, सोचा है? ये न्यू ईयर्स प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ पार्टी. पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. या बट प्लीज डोंट कॉल इट दैट. इट साउंड्स लाइक दूरदर्शन का प्रोग्राम जो 80s में आता था, यू नो, वो सारी फैमिली साथ में बैठ के देखते थे. मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, बट आई बिलीव यू कैन रिलेट टू इट. आई बिलीव तुम्हारा दर्शन तो दूर से ही करना चाहिए. तुम्हारे इस प्रोग्राम में डीजे अलाउड है या कभी सम्मेलन होगा? ऑफ कोर्स डीजे तो होगा. डीजे के बगैर तुम्हारे जैसे लोग तमाशा, आई मीन डांस कैसे करेंगे? खाने का क्या करना है? इतना तो खा चुकी हो. क्या भेजा? हाँ? भेजा ना तुम्हें व्हाट्सएप पर मेन्यू. इंडियन और चाइनीज रखेंगे. ओह ठीक है. Are you sure? Yeah, it's a no-brainer. Anyway, I think हमें कुछ गेम्स और फन एक्टिविटीज भी रखनी चाहिए. You are really good at playing games. मैं माइंड गेम्स बच्चों के लिए कुछ जीके इंटरैक्टिव सेशंस, क्विज टाइप गेम्स तुम प्लान कर लो और ग्रुप पर मैसेज डाल लें. अगर कोई फूड स्टॉल्स लगाना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम स्पेस एलोकेट कर सकें. ठीक है, मैं फॉलो अप कर लूँगी बिकॉज तुम्हें तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा. एंड वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम. ऑल्सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी टॉक अबाउट डेकोर, लॉजिस्टिक्स एंड इवेंट फ्लो डिस्कस कर लेंगे. ओके, सी या. आप दोनों की जोड़ी ना ऐसे एकदम मस्त जलेबी फाफड़ा की तरह है ना मोटा भाई? मोटा
अरे तू मुझसे 2 साल सीनियर है, प्लस साइज में बड़ा, यू आर दी एक्चुअल मोटा भाई। अरे हूँ मोटा नहीं, हूँ मोटू छू, तमे मोटा भाई, एल्डर ब्रदर। अरे जवा दो अबे। अरे तू जाने दे, ये बता इतने सालों बाद कैसे याद किया मुझे। मैं ना अपने बोल्स डिस्कस करने आया हूँ। रोहिणी यू गो इनसाइड, हम लोग करते हैं बात। अरे अरे भाभी क्यों अंदर जाएंगी, उनसे भी ओपिनियन चाहिए ना। तेरे वॉल्स पे? हाँ, मैंने एक नया धंधा शुरू किया है, क्रिस्टल बॉल्स का। वो लगाने पे नेगेटिविटी नजर वो होती है ना, वो भाग जाती है। ब्रांड का नाम है फ्री यंत्र। वाओ, फ्री यंत्र, आप फ्री में ये यंत्र सबको दे रहे हैं, व्हाट एन इनिशिएटिव। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा? भाभी फ्री में कुछ नहीं है, आपको सारी समस्याओं से फ्री करता है, इटले नाम फ्री यंत्र। हाँ, ये तो मैन्युफैक्चर करता है? अरे ना ना ना, मैन्युफैक्चर तो चाइना में होता है, मैं तो सिर्फ इंपोर्ट करता हूँ। हाँ, वो हमारे लिए सिर्फ बनाते हैं, उनको तो नजर लगती नहीं है। क्यों? अरे उनकी आंखें पूरी खुल जाए वही बहुत है, नजर तो वो दूर की बात है। और फनी। एक मिनट, मैं आपको अपना एक बोल देना चाहता हूं। ये है मेरा बोल। हा? इसको ना टिंगा देने का, फिर वो नेगेटिविटी को जहां पे भी महसूस करेगा ना, उसको ऐसे खींच लेगा और वो ऐसे झूलने लगता है, वो जैसे हवा में झूलता है ना। जैसे झूला? ना ना, पक्षी। अरे ना, पतंग। अरे ना, वो झूलता है ना ऐसे। मैं समझ गया, तुम मुझे भी समझा दो यार। पेंडुलम ही मींस, पेंडुलम की तरह वो सारा एनर्जी ऐसे खींच लेता है, ऐसे ऐसे करते करते। और इसमें भी ना वैरायटी है, 1600 से लेके 1,60,000 तक। ये कितने का है? ये तो 1600 का है। ओ, गिफ्ट करने के लिए ना ये सस्ता आइटम ही यूज करते। अब है ना ऋषि भाई, काम की बात, मुझे ना इस धंधे को एकदम आगे बढ़ाना है, तो आपकी वो मार्केटिंग में हेल्प चाहिए होगी। कॉस, आप वो सोशल मीडिया पे करते रहते हो ना, तो उसमें वो एक इन्फ्लुएंसर है ना जो वो इस रोग का ज्ञान देती रहती है, क्या नाम है उसका, मालविका भाई। मालविका भाई नहीं, मालविका सारा भाई, हैंडल है astro.maharani। हाँ वही वही। हाँ सीर, अगर वो महारानी ये फ्री यंत्र को प्रमोट करेगी ना, तो मैं भी महाराजा बन जाऊंगा, फिर मेरे बोल्स की चर्चा हर घर में होगी। क्रिस्टल बोल्स। वाव यार, इसके तो 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, शी इज वेरी बिग एंड वेरी एक्सपेंसिव। यार देख, और भी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ दास बाबू से करवा ले, ही इज वेरी गुड। अरे दास उदास है भाई, अगर वो ये प्रोडक्ट प्रमोट करेगा ना, तो ये फ्री यंत्र फ्री में भी कोई नहीं लेगा। मुझे तो वो astro.maharani से ही करवाना है, उनकी बात ही कुछ अलग है। उनको तो मैं रोज रात को 4-5 बार देख के ही सोता हूँ। अरे वो बहुत अच्छा ज्ञान देती है अगले दिन के लिए, मस्त एकदम सरस ज्ञान। श्योर, ठीक है, मैं बात करता हूँ, रीच आउट टू हर। पर बजट बजट है ना तेरे? अरे बजट, अरे बजट की चिंता ही नहीं है मोटा भाई, बजट है चिंता मत करो। हाँ आप बस काम करवा दो। हाँ काम मैं करवा दूंगा, हो सकता है डिस्काउंट भी दिला दो। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ भाभी, इसी बात पे मुंह मीठा करो। हाँ हाँ, अरे पर घर पे तो कुछ मीठा है ही नहीं, तो मंगवा लेते ना जलेबी फाफड़ा घनश्याम। देख कितना दिखा रहा है, 22:148। भाभी आपके फोन पे चेक करो, दूसरे ऐप पे 158। हाँ, मेरे चाय नाश्ते के ऐप पे 135 दिखा रहा है। देखा देखा, 13 रुपए बच रहे पूरे। 13 रुपए बचा के किसका भला हुआ है, इनफैक्ट 13 इज एन अनलकी नंबर। कैसे? अरे शोले में कालिया को मारने के पहले गब्बर ने क्या कहा था, 13 क्या होगा कालिया, इदिन से 12 और 14। ओफ ऋषि। अच्छा तो कर लेना, तू ही ऑर्डर कर दे। मैं कैसे ऑर्डर करूं,
एड्रेस डालना पड़ेगा, बहुत झंझट है, तू ही कर लेना। मेरे को तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर। अरे रुको ना, मैं ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ। भाभी एक मिनट, मैं ना आपको इनविटेशन भेजता हूँ, तो वो रेफरल कोड से ना आपको तो डिस्काउंट मिलेगा ही। मेरे को नेक्स्ट टाइम है ना वो पोहा के साथ सेव फ्री में मिलेगी। रियल सेविंग। पप्पा कहते हो पैसा बचाव्या इतने पैसा कमाव्या। Money saved is money earned. ऋषि आप तो जानते हैं हम नए ब्रांड्स प्रमोट नहीं करते, पर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच महारानी जी। महारानी नहीं, इट्स एस्ट्रो डॉट महारानी। ऑफ कोर्स एस्ट्रो डॉट महारानी जी, इट इज रियली वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। एंड बाय द वे परेश इज अ डियर फ्रेंड, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। पर मैं फाइनली पूछ रहा था कि क्या अमाउंट लॉक कर सकते हैं हम, आई मीन द चार्ज। ऋषि आप तो हमारा फीस जानते ही है, उसमें 50,000 कम दे दीजिएगा सिर्फ आपके लिए। दैट इज सो जेनरस, सो जेनरस। मैं प्रोडक्ट आपके घर भिजवा दूंगा, आप देख लीजिएगा एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है एस्ट्रो, प्रणाम। एस्ट्रो प्रणाम। अरे व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? मैं तो डिसाइड कर रही हूँ न्यू ईयर प्रोग्राम पे क्या पहनूंगी। खाटो, इतनी ऑप्शंस हैं तो कंफ्यूजन तो होगी ना, ड्रेस पहन लो। लेकिन पता नहीं है ना उस दिन कितनी ठंड होगी। तो गूगल कर लो ना वेदर कंडीशंस ऑन न्यू ईयर ईव। और सडन कोल्ड वेव आ गया तो सडनली जैकेट पहन लेना। ड्रेस के साथ जैकेट? तो जीन्स और टॉप पहन लो। तो ड्रेस का क्या करूँ जो खरीदी है? न्यू ईयर ईव के लिए ड्रेस खरीदी तो वही पहनो। तुम क्या पहन रहे हो? जीन्स और शर्ट। और जैकेट? मैं नहीं पहन रहा। तुम खुद जैकेट नहीं पहन रहे और मुझे जैकेट पहनने के लिए बोल रहे हो? तो तुम भी मत पहनो। मतलब कि मैं ठंड में बीमार पड़ जाऊं? अरे तो पहन लो। आई मीन सबका थ्रेशोल्ड अलग होता है ना ठंड को लेके। ठंड लगे तो पहन लेना, नहीं लगे तो मत पहनना। तुम रहने दो यार, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो होता नहीं है। हेलो हेलो, तुम्हें पता है मुझे ऑफिस में सब लोग क्या कहते हैं? SM, सोशल मीडिया संकट मोचन। संकट पे संकट आ जाता है जब वो ऋषि बहल के सामने आता है। You mean you're the best problem solver? I'm the only problem solver because my mind is solution oriented. Your mind is problem oriented. अब तुमने अपनी प्रॉब्लम को कपड़ों की प्रॉब्लम बना ली है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ड्रेस पहन के जाता, और अगर ठंड लगती तो ऊपर आके चेंज कर लेता। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम से भागना। मतलब ठंड लगेगी तो मैं प्रोग्राम छोड़ के भाग के ऊपर आऊंगी और फिर चेंज करके भाग के वापस जाऊंगी। प्रॉब्लम से भागना एक तरीके का सॉल्यूशन ही है। हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम भाग कर मेरे पास आते हो एंड देन आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। करेक्ट, ये तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाइट विल लुक वेरी नाइस, वेरी क्रिसमसी एंड न्यू ईयरी। क्रिसमसी? नो नो। वाओ कविता, फ्लायर तो बहुत अच्छा बनवाया तुमने। बनवाया? व्हाट डू यू मीन बनवाया? आई हैव मेड इट। एक सेकंड, ये क्या है? फ्लोर ओपन्स एट 9, डिनर एट 11, फायरवर्क्स एंड केक कटिंग एट 12। न्यू ईयर पार्टी 12 बजे शुरू होती है रोहिणी, चिल। हाँ लेकिन न्यू ईयर ईव तो 6 बजे शुरू हो जाती है ना। 6 बजे अंधेरा भी नहीं होता है एंड कॉफी पीने के टाइम पे यू वांट पीपल टू स्टार्ट ड्रिंकिंग। ये सन डाउनर नहीं है बेबी। बच्चे नहीं पीते? बच्चे? कौन से बच्चे? अरे सोसाइटी के बच्चे, मेरा बच्चा। बच्चों के लिए बहुत लेट हो जाएगा। नहीं, फन एंड फेयर विल स्टार्ट एट 6 o'clock एंड गाला डिनर विल बी सर्व्ड एट 8। 8 बजे खाना कौन खाता है? बच्चे खाते हैं 8 बजे। रोहिणी मेरे फ्रेंड्स का क्या, मैंने उन्हें भी इनवाइट किया और वो तो 10 बजे के पहले आएंगे भी नहीं। डिनर विल बी सर्व्ड एट 8, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है ना खाए। ओह एंड यू वांट कि मेरे फ्रेंड्स ठंडा खाना खाए? नहीं गरम खा सकते हैं 8 बजे। रोहिणी व्हेन विल पीपल ड्रिंक? अरे अभी तो बताया बच्चे नहीं पीते। दिस इज नॉट डन, दिस हैज टू बी डन। 9:30 बजे केक कटिंग करके बच्चों का प्रोग्राम खत्म। जिसको लेट नाइट पार्टी करनी है वो करता रहे या करती रहे।
2024 का वेलकम केक हम 2023 में कट कर लेंगे। 2024 का वेलकम केक नहीं है वो, 2023 का गुड बाय केक है। देखो पार्टी तो लेट ही शुरू होगी ताकि लेट तक चले, और जिसे लेट हो रहा है ना वो आराम से घर जाके लेट जाए और दूरदर्शन पे प्रोग्राम देखे। कविता ये तुम्हारी पर्सनल पार्टी नहीं है? ये तुम्हारे बच्चे की भी बर्थडे पार्टी नहीं है रोहिणी? ठीक है तो प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। हाँ ठीक है प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन पार्टी तो होगी। सी यू देयर एट नाइट।